A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadwani, your economics teacher. Today we'll be studying part 4 of a specimen paper of economics for class 12 ISC. We have already done 3 parts of it, okay? Jisme hum log ne questions kiye the of section A and B. So today we'll be starting with section C. जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दिस इज ऑफ 6 मार्क्स. ठीक, तो मतलब 8-8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है आपका, 6+2. तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, वन इज योर फिक्स्ड फैक्टर, वन इज योर वेरिएबल फैक्टर. और बोला गया है कि ये जो वेरिएबल फैक्टर है इसको हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ ऐसे मिक्स करते हैं इन फर्म, जब हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कि जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो पहले तो इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, गो एट पीक एंड उसके बाद इट फॉल्स डाउन. मतलब स्टार्टिंग में इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन फाइनली स्टार्टेड फॉलिंग. ओके, जिसमें सबसे पहले क्या बोला गया है दैट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो ये स्टेट करता है कि जो भी आउट इनपुट्स हैं ऑफ वन रिसोर्स इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल इंक्रीमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, व्हाइल जो भी अदर इनपुट्स हैं, वन रिसोर्स यहाँ पर हो गया आपका वेरिएबल रिसोर्स, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेबर, और उसके बाद बाकी रिसोर्सेज कौन सी हो गई, दे आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, मीन्स योर फिक्स्ड रिसोर्सेज, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल, लैंड. ठीक है, टोटल आउटपुट विल इंक्रीज बट बियॉन्ड सम टाइम जो रिजल्टिंग आउटपुट है इट इंक्रीजेस विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. मतलब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करेगा और फाइनली वो डिमिनिश होने लगेगा. इट स्टेट्स दैट एज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इंक्रीजेस व्हाइल कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन फाइनली डिमिनिशेस. सो दो तरीके के फैक्टर्स इसमें दिए हुए, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स जिसमें लैंड, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लैंड, मशीन, एंड वेरिएबल फैक्टर्स में लेबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ओके, तो फिर अजम्पशंस इसमें पूछे नहीं है बट सिंस यू आर एक्सप्लेनिंग इट तो आप उसको एक एक लाइन में मेंशन कर सकते हो. तो सबसे पहले अजम्पशन इसमें क्या बोलता है कि द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी अनचेंज्ड. ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट हुआ, अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आओगे तो जाहिर सी बात है जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली राइज ही करेगा. दूसरी चीज बोली गई है कि सेकेंडली देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, कुछ ऐसे भी इनपुट्स है जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड रखी गई है. थर्ड ये चीज बोली गई है that thirdly the law is based upon the possibility of varying the proportion. मतलब आप proportion को change कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जो भी factors है उसको fixed proportion में ही use करो. अगर ऐसा हुआ तो law जो है वो उस time पर apply नहीं करेगा. Then comes the explanation of the law, जिसमें एक table बनाया गया. Table में you can see this is your units of land, that is your fixed factor. This is your units of labor, that is your variable factor. तो हम उसी particular land piece पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एक करके लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है, पहले 4 लेबर थे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और उसी के टाइम पर ही द टोटल प्रोडक्शन जो था उस टाइम पर इट वॉज दिस मच. टोटल प्रोडक्शन से यू कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है, 20 अपॉन 1 विल बी एवरेज प्रोडक्शन, 20 अपॉन 50 अपॉन 2 विल बी, जूम होना इज नेसेसरी हियर. ओके, 50 अपॉन 2 तो इट विल बी 25, देन 90 अपॉन 3, जैसे जैसे यहां पर दिया होता है तो ये आपका एवरेज प्रोडक्शन निकलेगा. 120 अपॉन 4, तो यहां पर यू कैन सी दैट योर एवरेज प्रोडक्शन is increasing, उसके बाद it is maximum here, और उसके बाद it starts declining, but it will never be negative. फिर आता है marginal production. Marginal production होता है जब आप दो चीजों के बीच में change देख रहे हो. Additionally क्या हुआ, हमने एक unit of labor से जब हम दो unit of labor पे गए तो 20 से 50 हुआ, कितने का increment हुआ, पहले 30 का increment हुआ, फिर कितने का हुआ, 50 से
40 का इंक्रीमेंट हुआ, पहले क्या हो रहा है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद फिर अगेन 40 से 30 हुआ, फिर 30, अब देखो 20 से 140 हुआ तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, तो 30 40, फर्स्ट इट वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट वाज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, गेट्स मैक्सिमम जहां पर, अगर जब ये मैक्सिमम है तो उस टाइम पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होगा इट विल बी जीरो, ठीक है, जब टीपी इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी जीरो, और उसके बाद व्हेन इट विल बी फॉलिंग, फाइनली ये डिमिनिश हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्शन इज नेवर नेगेटिव बट मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। तो यही सारी चीजें, ये सब एग्जांपल में ये जो दी हुई है, दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, उसमें यही सब चीजें एक्सप्लेन की गई है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, देन कम्स उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब हियर यू कैन सी इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें यहां पर आपका टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ओके, और यहां पर दिस इज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, और उसके बाद दिस इज ऑफ मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन, और यहां पर द नंबर ऑफ लेबर्स आर गिवेन। तो सबसे पहले वील टेक एज द फर्स्ट वन, दैट इज द पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले द यूनिट्स ऑफ लेबर इज गिवेन एक्स हियर एंड टोटल प्रोडक्ट इज गिवेन एट वाई। फर्स्ट इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, जब वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है यहां से, तब व्हाट विल हैप व्हाट इज हैपनिंग, जो पहले ये स्टीप था उसके बाद अगर वो थोड़ा सा फ्लैट जा रहा है तो ये हो जाता है मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपसे ये कहता है कि जो पहले मेरा इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन, वो अब डिक्रीजिंग रेट पर होगा। देन इट गेट्स मैक्सिमम, जिस टाइम पर ये यहां पर मैक्सिमम है उसी टाइम पर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको शेयर कर दूं मैं, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है, जब भी मतलब व्हेन एवर यू विल मेक इट, तो आप इसको ऐसे ही बनाओगे कि ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल ही इसके पास आएगा, और वो बिल्कुल ही कैसा दिखेगा, इट विल बी जीरो, ठीक। तो उसके बाद व्हेन इट इज मैक्सिमम, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हेन इट इज फॉलिंग तो डेफिनेटली द मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी जीरो, और एपी तो इट विल कीप ऑन फॉलिंग ओनली, पहले वो राइज करेगा उसके बाद इट विल कीप ऑन फॉलिंग। तो दिस इज हाउ दिस डायग्राम हैज बीन मेड, थोड़ा सा बुरा बनाया गया अभी, और उसी का ही एक्सप्लेनेशन है जिसमें यू हैव टू टेल, सबसे पहले आप ये बताओगे कि ओ एस एक्सिस में क्या है, ओ वाई एक्सिस में आप क्या शो कर रहे हो, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद ई पॉइंट यहाँ पर है जो टोटल प्रोडक्ट है, अप टू पॉइंट ई ऊपर वाले कर्व में दिया हुआ है ई पॉइंट, जहां पर इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, गेट्स मैक्सिमम देन फॉल्स डाउन, ठीक है, फिर देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, यही ये पूरा एक्सप्लेनेशन है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। हाँ, उसको शॉर्टन कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज ऑफ 2 मार्क्स, क्या पूछा गया था इसमें कि जो नेगेटिव रिटर्न है वो फर्म को लॉसेस देते हैं, तो व्हाट आर द 2 कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, जिसमें सबसे पहले बोला गया है दैट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर इज देयर। अब किसी भी, सपोज करो लैंड है, अगर आप लैंड में भी एक्सेस में प्रोडक्शन कर रहे हो या एक्सेस में उसमें लेबर लगा दे रहे हो, तो डेफिनेटली जहां तक उसको प्रोड्यूस करना चाहिए उसके बाद वो नेगेटिव रिटर्न ही देगी, ओके। मिस हैंडलिंग भी तो होती है, सपोज करो ये मशीन है, इसी मशीन में हार्डली 2 लेबर्स वर रिक्वायर्ड, अब इन्हीं की जगह पर आप उनको धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके वहां पर 6, 7, 8 लेबर्स वहां पर लगा दे रहे हो, तो डेफिनेटली मिस हैंडलिंग एंड ओवर यूटिलाइजेशन विल बी देयर ना, एवरीवन इज गोइंग इन द मशीन, और उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी से जब आप बियॉन्ड काम करा रहे हो उसे, तो डेफिनेटली वहां पर इनएफिशियंसीज होंगी ही। देन कम्स लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स मतलब जो एक साथ दोनों लोग मिल करके चले। एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई स्किल्ड लेबर है उसको कोई स्पेशलाइज मशीनरी चाहिए सो दैट वो अपना प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमम कर सके, बट उस केस में अगर आप उसको कोई ऐसी मशीनरी दे रहे हो जो ऑब्सोलीट इन नेचर है, बेकार सी है, अच्छी नहीं है, चलती फिरती नहीं है, ओल्ड है, आउटडेटेड है, तो वो दे रहे हो उसको, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर, ओके। देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक कर्व दिया हुआ है. अब ये दिस यू कैन सी दिस इज द पार्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व. इनडिफरेंस कर्व आपसे क्या कहता है, वो आपसे ये कहता है दैट इट शोज द वेरियस क्वांटिटी सॉरी वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्वांटिटीज या टू कमोडिटीज दैट विल गिव यू इक्वल सैटिस्फैक्शन. सपोज करो कि दो क्वांटिटी दो कमोडिटीज हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई ले लो. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑफ द फ्रूट्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ले सकते हो. तो उन दोनों की मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कितना सामान इसका, मान लो दो क्वांटिटी इसकी खरीद रहे हैं, तीन क्वांटिटी इसकी खरीद रहे हैं. सपोज करो कि ये है ऑफ रुपीज 50 की पर क्वांटिटी, ठीक है, और ये है रुपीज 30 की पर क्वांटिटी. तो 30 और 3 × 3 90 का हमने ये लिया और 50 के दो तो 100 के हमने ये लिया. तो यहाँ पर हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास सपोज करो कि 190 रुपए हैं इन टोटल. अब उन 190 रुपए का हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे जो मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, वो हम लोग इनडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं. इनडिफरेंस कर्व में अब यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि दिस इज सम अनकॉमन फेनोमेना जिसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का यहाँ पर शो किया गया है. तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो कर्व है ये इतना अलग सा क्यों है, ठीक है. अब देखो इनडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इनडिफरेंस कर्व इज नेवर सपोज टू इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है दैट यू नीड टू फॉलो कि जस्ट बिकॉज की इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए ये जो है ये कॉमन फिनोमेना नहीं है. दिस इज लॉजिकली एब्सर्ड. जैसे यहां पर इसमें दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है जिसमें ये शो किया गया है कि दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर. ओके, एट दिस पॉइंट क्योंकि ए और बी आईसी कर्व आईसी वन पे है, ए और बी वाला जो लेवल है, ए और बी का जो लेवल है वो कहां पर है, वो आईसी वन पर है, ए एंड बी ये वाला, ठीक, और ए और सी कहां पर जा रहा है, आईसी टू पर है. देयरफोर हम लोग ये कह सकते हैं कि बी और सी लेवल, बी लेवल और सी लेवल क्योंकि वो सेम ही इनडिफरेंस कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है जो कि इम्पॉसिबल है. हम अपने इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में ये जानते हैं द हायर इनडिफरेंस कर्व विल गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, एज ए उसके बाद, और अगर वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे तो डेफिनेटली वो लॉजिकली एब्सर्ड है क्योंकि अगर इंसान के पास ज्यादा मनी होगा, ज्यादा बजट होगा, वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा और उस टाइम पर कोई भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. ओके, तो दिस इज वॉट द क्वेश्चन सेज. आपको सिर्फ इतनी सी चीज उसमें लिखनी है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये जो क्वेश्चन है कि क्यों ऐसे शो, क्यों बोला गया कि कॉमन फिनोमेना नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो मतलब वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बट इंडिफरेंस कर्व दो है तो वो अलग अलग होने चाहिए और ये अलग अलग जो है वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. Now moving to the next one, the next question says ki you have to explain law of equi-marginal utility. और ये भी जो question है ये भी आपका 6 marks का question है. Okay, so moving towards the solution of this question, जिसमें सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग. क्या बोला गया है दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट विल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ये जो प्रोडक्ट्स है विल गिव ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन. मतलब इट विल एक्सप्लेन कि दो कमोडिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है कि हम उसको कैसे कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो जो कॉम्बिनेशन है हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें जो हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. देन मार्जिनल यूटिलिटी, एज यू ऑल नो दैट मार्जिनल यूटिलिटी जो है एडिशनल यूटिलिटी है जो हम लोग एक और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी से अटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर. अगर हमने एक ग्लास ऑफ पानी पिया हमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिला,
फिर हमने जब दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया, जो हमें एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से, वो आ जाता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता था कि कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, क्योंकि जब आप थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो ऑब्वियसली आपको एक लेवल ऑफ सैचुरेशन मिल जाएगा कि इससे ज्यादा हम नहीं पी सकते हैं पानी। ओके, उसके बाद अगर इफ यू फर्दर कंटिन्यूड इट विल गो ऑन नेगेटिव, तो वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो प्रिंसिपल है ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपसे ये कहता है कि कंज्यूमर जो है अपनी टोटल यूटिलिटी ऐसे मैक्सिमाइज करेगा व्हेन जो भी उसकी फिक्स्ड मनी इनकम है। कि जो भी उसकी जो फिक्स्ड मनी इनकम है इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, मतलब उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए ऑफ एक्स वाई और जो प्राइस पर यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस पर यूनिट वो भी सेम होना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स और वाई का, जिसके जो प्राइजेस है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, हुज प्राइजेस आर दीज, कि पी एक्स उसको बोला गया है, पी वाई उसको बोला गया है। एज ही परचेजेस मोर ऑफ एक्स, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करेगी, वाइल एमयू ऑफ वाई राइजेस। फिर लिखा गया है ओनली एट द मार्जिन ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एक्स ही हैज द सेम यूटिलिटी एज दैट ऑफ वाई। ओके, तो इसी को ही समझाने के लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, दैट दिस कंडीशन इज गिवेन, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, एक शेड्यूल पूछा गया था। लेट मी सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि आपको एक शेड्यूल बनाना है, वेदर यू मेक अ कर्व और नॉट, शेड्यूल इज नेसेसरी, कर्व बना लोगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि दो कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई, फिर बोला गया है कि उनका जो प्राइजेस है, एक्स का प्राइस है ₹4 और वाई का प्राइस है ₹5। देन उसके बाद यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है, जिस शेड्यूल में आपको मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलरेडी गिवन। ओके, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अब इसी को ही आप प्राइस पर यूनिट से निकाल दो, पर यूनिट ऑफ मनी से निकालो, कि भाई ये तो मेरी टोटल हो गई। अगर मेरा एक्स एक्स है तो हमने अगर एक यूनिट कंज्यूम किया तो इतना, दो यूनिट कंज्यूम किया तो इतना। तो अब इसी को ही जो है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो प्राइस है वो 4 है, इसका जो प्राइस है वो 5 है, इसको 4 से डिवाइड करते जाओ। ओके, तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल गेट इज फिक्स। यहाँ पर जैसे 40 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 10 आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 8 आएगा। तो ये जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इसका सिंपल सा कॉमन फिनोमेना ये है दैट प्राइस एमयू ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एमयू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई और इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट की जो एमयू है, वो तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। इसी को ही हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिवाइड किया। दिस यू कैन सी हियर, रुको हम थोड़ा सा इसको और शॉर्टन कर दें सो दैट आपको इजीली वो दिख जाए दोनों कर्व्स। तो इसको यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये हमने यहाँ पर डिवीजन किया। उसी की तरह सिमिलरली व्हाट यू विल डू इज कि आप जो वाई वाला भी है उसको भी सिमिलरली आप उसको डिवाइड करोगे, 55 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 5, और यहीं पर ही जो उसका आंसर आएगा दिस विल बी 11, दिस विल बी 10। ये पूरा मेरा हो गया, मतलब ये क्या हुआ है, ये मेरा प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी पर यूनिट ऑफ मनी है, पर यूनिट ऑफ मनी की एक रुपए में हमको कितनी मिलेगी अगर हम खर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि हमें ये कंसिडर करना है कि हमें जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम मिल रही हो, तो सेम जो है वो कैसे मिलेगी आपको। यू कैन सी कि यहाँ पर आपको 10 के बराबर कोई यूटिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। जब व्हेन यू विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, तो उस टाइम पर आपको सेम यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दूसरी ये भी चीज बोली गई है, लेकिन अगर देखो यहाँ पर एक प्राइस दिया हुआ है दैट इज योर गिवन इनकम, तो अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ
ये खरीद रहे हो, मतलब कितना खरीद रहे हो, आप एक यूनिट ऑफ एक्स खरीद रहे हो तो आप कितने का खर्चा करोगे, 4 रुपए, तो दिस विल बी 4 रुपीज, और 2 यूनिट ऑफ वाई खरीद रहे हो तो इट विल बी 2 × 5, ठीक है, 5 रुपए की थी ना वाई कमोडिटी, तो ये 10 रुपए हुए, बट मेरी इनकम कितनी है, 35 है, तो कोई और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो आपको देखना पड़ेगा, तो यू कैन टेक दीज टू, जिसमें आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पर यूनिट ऑफ मनी वो सेम है। अब इसका ही देखो, यू हैव टू टेक 3 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, वाई कमोडिटी कितने की थी, 5 रुपए की थी वाई कमोडिटी, तो इट विल बी 15, ओके। और दूसरी है 6 वाई, ये इसकी कितनी क्वांटिटी है, 5, तो 5 विल बी टेकन ऑफ किसकी, एक्स की, एक्स का जो प्राइस था वो 4 था, ठीक, तो इट विल बी 20, इसको टोटल करोगे तो ये 35 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे दी है कि जब जो पर्सन है, कंज्यूमर, अपनी एंटायर मनी इनकम जो है वो ऐसे करके खर्च करेगा कि 4 रुपए का उसने 5 यूनिट ले लिया ऑफ एक्स, और 5 रुपए की उसने 3 यूनिट ली है वाई की, तो उसके बाद ये टोटल उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टोटल सेटिस्फेक्शन मतलब 10 से लेकर के 6 तक ये, और 11 से लेकर के 6 तक ये वाला, तो ये 67 यूनिट्स का जो उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसकी यूटिलिटी है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम जब भी कंजम्पशन करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए टू द प्राइस पर यूनिट ऑफ मनी, ओके। देन कम्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है हाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इट इज कॉन्वेक्स इन शेप, तो आपको ये बताना है कि ये कॉन्वेक्स होने का क्या कारण है, ये कैसे इसका कारण है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपसे क्या कहता है कि व्हेनेवर यू हैव, सिंस यू हैव 2 कमोडिटीज, ओके, 2 कमोडिटीज हैं आपके पास, सपोज करो कि एक्स है और वाई है, तो सबसे पहले तो हमने मान लो कि 2 और 6 ये थी मेरे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें मोर यूनिट ऑफ एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, हमको एक और यूनिट ऑफ एक्स के लिए हमने क्या किया, इसको सीधे 3 से सैक्रिफाइस कर दिया, 3 यूनिट हमने इसकी दे दी, किसकी, वाई की, तो हमें क्या मिली, हमें 1 यूनिट ऑफ एक्स मिला। फिर हमें इसकी एक और यूनिट चाहिए, तो हमने क्या किया, अब हमने इसके पूरे 3 यूनिट नहीं दी, कम दी, ओके। तो व्हाट डज इट से, वो सिर्फ इतना कहता है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के बदले दूसरा, और वो क्या हो रहा है, वो फाइनली फॉल हो रहा है, आपने पहले 3 यूनिट्स दी, दोबारा आप सिर्फ 1 यूनिट दे रहे हो, तो वो जो आप 1 यूनिट दे रहे हो दैट इज फॉलिंग। हम चाहते तो हम दोबारा भी तो 3 यूनिट दे सकते थे, थी तो मेरे पास, बट हमने नहीं किया, वाई, क्योंकि अब आपके पास एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, अगेन मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करो, द मोर यू हैव दैट कमोडिटी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, द लेस यू हैव दैट कमोडिटी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2 यहां पर दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जब मेरे पास 6 कमोडिटीज थी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम थी, इसलिए वी वाज सैक्रिफाइसिंग वाई, अब मेरे पास उसकी जो कमोडिटी टोटल नंबर है वो 2 बचा है, तो अब हम उसको बहुत संभाल करके रखेंगे, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके कारण जो इनडिफरेंस कर्व है वो ऐसे बनता है। तो मोस्ट इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं, क्योंकि यू व्हेन यू एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड यू विल कंज्यूम लेस ऑफ द अदर गुड, ठीक है, मतलब एक यूनिट को अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आप डेफिनेटली दूसरे यूनिट को कम कंज्यूम करोगे। MRS decrease as one moves down the indifference curve, और इसका इसी को ही हम कहते हैं law of diminishing marginal rate of substitution। अब इसमें देखो, वही same जैसे हमने example लिया था, वही same चीज ही है, 2 commodities है, food and clothing, और दोनों का marginal rate of substitution is given, ठीक है। तो marginal rate of substitution जब इसका दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या कहा गया है कि एक unit of, पहले हम 1 unit of food और 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग लिए थे, फिर हमें और फूड चाहिए, तो व्हेन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट यू आर सैक्रिफाइसिंग 6 यूनिट्स,
ठीक है, इसीलिए ये 6:1 लिखा है। फिर तीसरी बार में आप उसके सिर्फ दो यूनिट्स, भाई यहाँ पर किससे गया -6, यहाँ पर किससे गया -2, तो हम इसको कम हो रहा है ना धीरे धीरे करके, और ये जो है ये सिर्फ एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, लेकिन ये फिर उसके बाद -1, तो ये जो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 6:1, ये क्या होता है, ये इसलिए बिकॉज वी ऑलरेडी हैव फूड, अब इसकी जो एमयू है इट इज फॉलिंग, क्योंकि हमारे पास ये ज्यादा आ रहा है, और ये जस्ट बिकॉज की वी हैव लेसर ऑफ क्लोदिंग, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है। एज अ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ये वाला हिस्सा इसमें देखो कर्व में, कि सबसे पहले 12 था, 12 पे हम मेरे पास सिर्फ एक क्लोदिंग, एक यूनिट ऑफ क्लोदिंग थी, दूसरी बार इट फेल डाउन फ्रॉम 12 to 6, तब मेरे पास 2 यूनिट्स ऑफ क्लोदिंग आई, तीसरी बार जब 4 था तो हमने सिर्फ एक ही कंजम्पशन किया, तो यहां पर इट वॉज 6, यहां पर इट वॉज प्लस कर लो या माइनस करना चाहिए वैसे तो, इसके बाद इट वॉज 2, फिर इट वॉज हार्डली 1, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये जो है अगर ये फॉल हो रहा होता, जैसे अगर हमने ये जो कर्व है इसको ऐसे 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 बनाया होता, तो ये जो कॉन्वेक्सिटी है वो नहीं होती, वो स्ट्रेट हो जाता, अगर आप इसको 6-6 की यूनिट से ही माइनस कर रहे होते तो ये स्ट्रेट हो जाता, या ज्यादा से माइनस कर रहे होते, मान लो 6 के बाद 7 हो गया तो वो कॉन्केव इन नेचर हो जाता। फिर इसमें बोला गया है कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, इट मींस जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड ऑन द वाई एक्सिस है, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ द गुड, जो कि एक्स एक्सिस पे मतलब वो शो किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्जिनल रेट इज डिक्लाइनिंग एज द कंज्यूमर ऑब्टेन्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द गुड ऑन एक्स एक्सिस, और ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन की उसकी जो एमयू है वो डिक्लाइन हो रही है, और एमयू क्यों डिक्लाइन हो रही है, सिंस यू हैव मोर, अब हमें बस ज्यादा फूड हो गया है तो हम को उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू कम हो गई है उसकी, एमयू कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सेज़ कि कंज्यूमर जो है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर पाता है व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी की यहाँ पर बात की गई है, कैन बी इक्वेटेड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट। फिर अब क्या बोला गया है इसमें कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, इट व्हाट डज इट मीन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, इट मींस कि स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो उसको मिल रही है, ये एक सिचुएशन है जो कंज्यूमर है वो अपनी एंटायर गिवन इनकम इट स्पेंड्स ऑन परचेजिंग 1 or 2 कमोडिटी, अभी यहाँ पर एक ही कमोडिटी की बात की गई है, और वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो हैज नो इंटेंशन टू चेंज हिज कंजम्पशन गिवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो दिस इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि देर आर डिफरेंट कमोडिटीज, वन कमोडिटी पे एमयू वॉज 50, जब हमने उसको और खाया तो 2, फिर उसके बाद तीसरा खाया तो 40, चौथा खाया तो 35 एंड पांचवा खाया तो 30। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा व्हेन ही परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर द एमयू ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स इट्स प्राइस, एमयू शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, इसीलिए जस्ट बिकॉज कि उसका जो प्राइस है वो कितना है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कितना है, 35 है, तो कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम जहां पर एमयू एक्स विल बी द प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड हियर दैट, इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन हियर सेज दैट अ कंज्यूमर कैन अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी obtained from a commodity can be equal to the price of that particular commodity।
तो हम लोग इसी को ही कैसे पढ़ेंगे, इसके कर्व के थ्रू पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, MU, ठीक है, और वही हमारा प्राइस है, और यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉपीज या नंबर ऑफ कमोडिटीज जो भी है वो दी हुई है। तो सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फोर्थ यूनिट पर आपका जो प्राइस है वो इतना होगा, और फोर्थ यूनिट पर ही आपकी जो MU है वो भी इतनी है। तो दिस इज वेयर कंज्यूमर इज अटेनिंग इक्विलिब्रियम। अगर वो इसके ऊपर जाता है, यहाँ पर जाता है, दैट इज थर्ड यूनिट पर जाता है, तो वहां पर जो उसकी, देखो इसमें लिखा हुआ है कि वहां पर द कंज्यूमर गेन्स मोर यूटिलिटी, तो वहां पर उसकी जो MU है वो ज्यादा है। MU इज मोर देन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो वो और खाएगा, सॉरी, और कंज्यूम करेगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी को। फूड नहीं है वो, कॉपीज है, तो उसको वो और कंज्यूम करेगा। और अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर उसकी जो MU है वो फॉल हो रही है, यहाँ से देख रहे हो ना, ये फॉल हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इट इज राइजिंग। तो वेन हेयर इट इज फॉलिंग, यहाँ पर मान लो उसने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो वो उसको कम करना चाहेगा सो दैट उसको एक सफिशियंट इक्विलिब्रियम मिल जाए, जो उसके प्राइस से कंटिन्यू मिक्स, मतलब मैच खा सके। और यही सेम चीज यहाँ पर दी हुई है, सो द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट ई, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। इन केस देयर इज समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो सून। बेस्ट विशेस, थैंक यू।